हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने कारक में अभी तक क्या क्या देख लिया है। हमने प्रथमा विभक्ति को देख लिया है, हमने द्वितीय विभक्ति को देख लिया है, हमने तृतीय विभक्ति को देख लिया है। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चतुर्थी विभक्ति, यानी कि संप्रदान कारक। जब मैं बोलूं संप्रदान कारक तो आपको क्या बोलना है? चतुर्थी विभक्ति। जब मैं बोलूं चतुर्थी विभक्ति तो आपको क्या बोलना है? संप्रदान कारक। क्यों? क्योंकि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संप्रदान क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर चार सूत्र आपको पढ़ना है। ठीक है, उन सूत्रों से आपको पता चल जाएगा कि किसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। अभी तक हमने 60% से ऊपर कारक चैप्टर पढ़ लिया है और आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कारक का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद आपको जो भी कारक है उनके सारे सूत्र पता होना चाहिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस में कौन सी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आज का लेक्चर भी रहने वाला है। अब तो आपको आदत हो गई होगी कारक कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको संप्रदान कारक का मतलब बताऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ पर चार सूत्र बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, इसलिए अब मैं क्या करूँगा, लेक्चर की स्पीड थोड़ी हाई रखूंगा। ठीक, तो आज तो आपको अभी चतुर्थी विभक्ति मिल रहा है, कुछ देर बाद आपको पंचमी मिल जाएगा और उसके बाद दो लेक्चर और बाकी रहेंगे और हमारा ये जो चैप्टर है कारक वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक लेक्चर और लूंगा जिसमें मैं आपको कारक के जो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो सारे प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, बात चेक भी प्रैक्टिस सेशन बाकी है तो उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक, चलिए तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हमारा जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम चतुर्थी विभक्ति यानी कि संप्रदान कारक पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि इस संप्रदान का मतलब क्या होता है, तो उसका आपको यहाँ पर एक श्लोक दिखाई दे रहा है, कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। यहाँ पर आपको तीन वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, एक तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कर्मणा दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर यम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको एक छुपा हुआ वर्ड दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, अभिप्रेति। और अभिप्रेति का मतलब क्या होता है, अभिप्रेति का मतलब होता है संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। तो ये पूरी जो लाइन है कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, इस पूरी लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि कर्ता अपने दान रूपी कर्म के द्वारा जिसको क्या करता है, अभिप्रेत करता है यानी कि संतुष्ट करता है, उसमें कौन सा कारक होगा, उसमें संप्रदान कारक होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे क्या करता है, अभिप्रेत करता है, जिसे क्या करता है, संतुष्ट करता है, अर्थात करता है जिसे कुछ देता है या कुछ दान करता है या जिसके लिए कुछ करता है या जिसके लिए कुछ कर जाए, तो उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला कर्ता अपने दान रूपी कर्म के द्वारा क्या हो जाएगा, कर्ता अपने दान रूपी कर्म के द्वारा जिसे क्या करता है, जिसे संतुष्ट करता है या जिसके लिए कुछ करता है ना, या जिसके लिए कुछ करता है, उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। अब देखिए आप अगर यहाँ इस संप्रदान वर्ड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो संप्रदान वर्ड है वो दो उपसर्ग जुड़कर बना है। एक तो उपसर्ग यहाँ पर क्या है, सम है, और दूसरा उपसर्ग यहाँ पर क्या है, प्र है, और उसके बाद क्या है यहाँ पर दान है। तो दान में कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, दो उपसर्ग लगे हुए हैं। एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सम दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्र दिखाई दे रहा है। तो ये जो संप्रदान है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि आप दान कर रहे हैं, तो दान भी कैसा कर रहे हैं, सम्यक प्रकार से दान कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं आप, यहाँ पर सम्यक प्रकार से दान कर रहे हैं। और ये सम्यक प्रकार से दान करना मतलब क्या होता है, सम्यक प्रकार से दान करने का मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी को कुछ दे दिया तो उसको वापस नहीं लेना है। जैसे कि आप धोबी के पास जाते हैं, उसे आप क्या करते हैं, कपड़े धोने के लिए देते हैं या कपड़े इस्त्री करने के लिए देते हैं, तो आप तो उससे क्या करते हैं, कपड़े वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक नहीं होगा। संप्रदान कारक क्या होगा, जहाँ पर आपने किसी को कुछ दान दे दिया तो उसको वापस नहीं लेना है। सम्यक प्रकार से दान ही क्या है, संप्रदान है। तो अगर आप क्या करते हैं, सम्यक प्रकार से दान करते हैं यानी कि आप किसी को कुछ दे देते हैं और उसे वापस नहीं लेते हैं,
तो वहीं पर आपको क्या करना है, वहीं पर आपको क्या करना है, संप्रदान कारक लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सम्यक प्रदीयते अस्मे तत् संप्रदानम, इसका मतलब क्या हुआ, जिसे कुछ दिया परंतु उस वस्तु को वापस न लिया, मतलब आपने किसी को कुछ दिया और उससे वापस नहीं लिया। सम्यक प्रकार से दान ही संप्रदान, उसका मतलब ये है सम्यक प्रकार से दान, आपने किसी को कुछ दिया और वापस नहीं लिया, तो वहीं पर आपको क्या करना है, संप्रदान कारक लगाना है। अगर आपने धोबी को कपड़े दिए तो यहाँ पर तो आप दे तो देने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये सम्यक दान है नहीं है, क्यों, क्योंकि उससे आप वापस ले लेंगे। तो सम्यक प्रकार से दान क्या होता है, आपने किसी को कुछ दिया लेकिन उससे वापस नहीं लिया, तो जहां पर क्या हो रहा है, सम्यक प्रकार से दान हो रहा है, वहीं पर आपको क्या करना है, संप्रदान कारक लगाना है। ठीक है, तो वहीं पर क्या करना है, संप्रदान होता है, और जैसे ही संप्रदान हुआ तो वहां पर कौन सी विभक्ति लग जाएगी, वहां पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। किससे, तो आप देखिए यहाँ पर अगला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, और ये संप्रदान कारक होता है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, कार्ड बांध लो, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। अगर मैं बोलूं संप्रदान तो आपको क्या बोलना है, चतुर्थी विभक्ति। अगर मैं बोलूं चतुर्थी विभक्ति तो आपको क्या बोलना है, संप्रदान कारक, यानी कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर उदाहरण के थ्रू आपको यहाँ पर समझाया है, राजा ब्राह्मण को क्या देता है, गाय देता है। पहले जमाने में क्या होता था, गाय काफी महंगी हुआ करती थी, और जिसके पास 100-100, 1500-1500, 150-150 इतनी गाय होती थी वो धनी होता था। ठीक है, इसलिए नंदलाल क्या थे, बड़े धनी थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या बोला, राजा ब्राह्मण को क्या करता है, गाय देता है, तो यहाँ पर ददाती जो है ये क्या है, ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, कौन दे रहा है, राजा दे रहा है, तो राजा क्या है यहाँ पर, करता है, क्या कर्म कर रहा है, तो गाय को दे रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गाय क्या हो जाएगी, कर्म हो जाएगी। तो हमने क्या बोला, कर्ता अपने दान रूपी कर्म के द्वारा जिसे कुछ देता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है, तो किसे दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है, किसे दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है, तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा, ब्राह्मण क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, क्या जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, और इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, इसमें इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। देखिए आप यहाँ पर ब्राह्मण में ब्राह्मणाई करके कौन सी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा ने किसे संतुष्ट किया, ब्राह्मण को संतुष्ट किया, तो जिसे संतुष्ट किया जाए उसमें कौन सा कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है, और वहां पर आपको कौन सी भक्ति लगाना है, वहां पर आपको चतुर्थी भक्ति लगाना है। ठीक है, चलिए अगला आप देखिए यहाँ पर माता माता बालकाय फलम ददाती, तो ददाती यहाँ पर क्या हो गई, ददाती यहाँ पर क्रिया हो गई, कर्ता क्या हो जाएगा, माता, माता यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगी, है ना, क्या दे रही है, फल दे रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलम, फलम में क्या आएगी, कर्म कारक होगा, और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो माता फल देकर किसको संतुष्ट कर रही है, बालक को संतुष्ट कर रही है, तो बालकाई, बालकाई जो है, देखिए आप यहाँ पर बालकाई यहाँ पर क्या, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो देखिए बालक जो है ये क्या है, संप्रदान है, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, वही आप अगला देखिए यहाँ पर उपाध्याय के लिए गाय देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए किसके किसको गाय देता है, उपाध्याय को, तो यहाँ पर देखिए कौन संतुष्ट हो रहा है, उपाध्याय, तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी भक्ति लगी हुई है, इसमें ये क्या है, संप्रदान कारक हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सी भक्ति लगी हुई है, यहाँ पर चतुर्थी भक्ति लगी हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्राह्मण को भूमि देता है, तो किसको संतुष्ट किया, ब्राह्मण को, किसको, ब्राह्मण को, देखिए आप यहाँ पर ब्राह्मणाई जो है वो क्या है, संप्रदान है, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने क्या बोला, हमने क्या देखा, संप्रदान देखा। संप्रदान का मतलब क्या होता है, कर्ता अपने दान रूपी कर्म के द्वारा जिसे क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो उसमें कौन से कारक होती है, संप्रदान कारक होती है, और जैसे ही संप्रदान हुआ तो वहां पर आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति लगाना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण से भी आपको समझाया। तो जिसे संतुष्ट किया उसमें क्या हुआ, संप्रदान कारक लगा, और संप्रदान कारक जैसे ही होता है तो चतुर्थी संप्रदाने से आपको क्या कर देना, वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगा देना है।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ सूत्र है, जैसे कि हम हर कारक में पढ़ते ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, ठीक है। जिसमें पहला सूत्र यहाँ पर दिया है रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र, उसके बाद एक अगला सूत्र है, इन दोनों सूत्रों का आपको क्या करना है, साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते कौन सा सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है रुच्य अर्थानाम प्रियमाणः। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको यहाँ पर रुच दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वह रुच अर्थ वाली धातु, रुच, एक मिनट, एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, रुच दिखाई दे रहा है और दूसरा वर्ड आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अर्थनाम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, अर्थनाम दिखाई दे रहा है। तो और प्रियमाने, प्रियमाने का मतलब क्या होता है, प्रियमाने का मतलब क्या होता है, जिसे क्या हो, जिसे पसंद हो, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, जिसे क्या हो, जिसे पसंद हो, पसंद हो। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सूत्र दिया इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में रुच या रुच अर्थ वाली, रुच या रुच अर्थ वाली धातुओं का, किसी वाक्य में धातुओं का किसी वाक्य में प्रयोग होने पर, वाक्य में प्रयोग होने पर, ये जो प्रियमाण है, ये जो क्या है, प्रियमाण है, इसकी कौन सी संज्ञा होगी, इसकी संप्रदान संज्ञा होगी। कौन संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और जैसे संप्रदान हुआ तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लग जाएगी, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर क्या बोला, रुच, रुच का मतलब क्या होता है, रुच का मतलब होता है अच्छा लगना या पसंद आना, तथा इस अर्थ की अन्य धातु की। तो किसी भी वाक्य में अगर आपको क्या दिख जाए, रुच धातु दिख जाए या रुच अर्थ वाली कोई आपको क्या दिख जाए, धातु दिख जाए, और रुच का मतलब क्या होता है, अच्छा लगना, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, किसी वाक्य में अगर आपको दिख जाए तो जो प्रियमाण है, यानी कि जो जो प्रसन्न होता है या जिसको पसंद होता है या जिसे क्या हो, पसंद हो, उस कारक की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। चलो आपको मैं इसको उदाहरण के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती का मतलब क्या होता है, अच्छी लगती का मतलब क्या होता है, रोचते, रोचते, है ना। किसको अच्छी लग रही है, यहाँ पर देखिए हरि को भक्ति अच्छी लग रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा इस श्लोक पे आपने क्या देखा, यहाँ पर श्लोक नहीं बोल सकते, इस उदाहरण में आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने रोचते धातु देखा, ठीक है, रोचते धातु देखा। तो हमने क्या बोला, किसी भी वाक्य में अगर आपको रुच धातु दिख जाए या रुच अर्थ वाली धातु दिख जाए, तो जो प्रियमाण है, प्रियमाण मतलब जिसे प्रसन्न हो, ठीक है, या जिसको पसंद हो, तो उसमें कौन, उसकी कौन सी संज्ञा होगी, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और वहां पर आपको क्या करना है, फिर चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति लगाना है। तो देखिए आप यहाँ पर किसको पसंद है, किसको पसंद है, किसको अच्छी लगती है, हरि की, हरि को भजन, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो किसको अच्छी लगती है, हरि को अच्छी लगती है। तो यहाँ पर प्रियमाण कौन हो जाएगा, यहाँ पर प्रियमाण हरि हो जाएगा। तो हरि की कौन सी संज्ञा होगी, हरि की संप्रदान संज्ञा होगी। तो देखिए आप यहाँ पर हरि की कौन सी संज्ञा हो गई, हरि की संप्रदान संज्ञा हो गई। और जैसे हरि की संप्रदान संज्ञा हुई, तो देखिए आप यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी भक्ति लगी हुई है, यहाँ पर चतुर्थी भक्ति लगी हुई है। देखिए आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जिसको प्रसन्न हो, ठीक है, या जिसको अच्छा लगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। वहां पर आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति लगाना है, किससे, चतुर्थी संप्रदान से। भैया आप देखिए अगला उदाहरण देखिए, सुरेश को दूध अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता का मतलब क्या होता है, रोचते, क्या अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, तो इसमें क्या, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, कर्म है ये, ठीक है। किसको अच्छा लगता है, तो यहाँ पर प्रियमाण कौन है, यहाँ पर प्रियमाण कौन है, यहाँ पर सुरेश जो है वो क्या है, प्रियमाण है। तो यहाँ पर सुरेश की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सुरेश की यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होगी, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगेगी,
यहाँ पर चतुर्थी वक्त लग जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर सूर्य साय दुग्धम रोचते, तो जैसे आपने यहाँ पर क्या दिखा रोचते दिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रियमान जो भी होगा उस वाक्य में, जैसे कि यहाँ पर कौन है सूर्य से, तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होगी तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है चतुर्थी विभक्ति लगा देना है, इससे चतुर्थी संप्रदान से। वही आप अगला देखिए, अब ये उदाहरण भी बहुत फेमस है, मुझे लड्डू पसंद है, तो पसंद है मतलब क्या है अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा रोचते हो जाएगा, क्या अच्छा लगता है लड्डू अच्छा लगता है, किसे अच्छा लगता है तो मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर ये जो महाम है ये क्या हो जाएगा प्रियमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रियमान हो जाएगा, और जैसे ये क्या हुआ प्रियमान हुआ तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर महाम, यहाँ पर क्या है महाम करके यहाँ पर क्या है चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से किसी भी वाक्य में अगर आपका दिख जाए रुच धातु दिख जाए या रुच अर्थ वाली कोई धातु दिख जाए, तो जो भी प्रियमान होगा, प्रियमान का मतलब क्या है जिसे पसंद है या जिसे अच्छा लगता है, तो उसकी आपको क्या करना है संप्रदान संज्ञा करना है, और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होगी तो आपको तो पता है क्या पता है चतुर्थी संप्रदान है, तो वहां पर आपको क्या कर देना है फिर चतुर्थी विभक्ति लगा देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसके जस्ट अपोजिट वाला सूत्र होता है जो आपको पढ़ना है, तो देखिए आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद आपको ये सूत्र पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्या होगा यहाँ पर दोनों का आप रिलेट कर पाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला ये सूत्र है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है स्प्रेह रिप्सित, तो यहाँ पर आपको दो वर्ड दिखाई दे रहा है, एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है स्प्रेह दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इप्सित दिखाई दे रहा है। स्प्रेह का मतलब क्या होता है चाहना, और इप्सित का मतलब क्या है जिसे चाहा जाए, ठीक है, जिसे चाहा जाए। तो यहाँ पर देखिए स्प्रेह धातु के योग में, तो किसी भी वाक्य में अगर आपको क्या दिख जाए ये स्प्रेह धातु दिख जाए, तो स्प्रेह रिप्सित सूत्र से आपको क्या कर देना है जिसे चाहा जाए उसकी क्या कर देना आपको संप्रदान संज्ञा कर देना है, और वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति लगा देना है। पिछले सूत्र में हमने क्या देखा था, पिछले सूत्र में हमने ये देखा था कि जिसको अच्छा लगता है मतलब जो प्रियमान है वहां पर हमने क्या करी थी संप्रदान संज्ञा करी थी, और वहां पर हमने उसकी चतुर्थी विभक्ति करी थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट जिसे चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो चाह रहा है, यहाँ पर जो चाह रहा नहीं है, वहां पर हमने क्या देखा था जिसको अच्छा लगता है उसकी हमने संप्रदान संज्ञा करी थी, और वहां पर हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जिसे चाह रहे हैं, जिसको चाह रहे नहीं मतलब जो चाह रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगा रहे, जिसे चाह रहे हैं उसका ऑपोजिट, वहां पर जिसको अच्छा लगता था वहां पर हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई थी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जिसे चाह रहे हैं जो इप्सित है उसमें हम क्या कर देंगे उसमें उसकी क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और वहां पर क्या हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर स्प्रे धातु के योग में जिसे चाह जाए, याद रखना वहां पर हम क्या कर रहे थे जिसको अच्छा लग रहा था वहां पर हमने क्या करी थी उसकी संप्रदान संज्ञा करी थी और चतुर्थी विभक्ति लगाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है जिसे चाहा जाए जो इप्सित है, और कब अगर आपको स्प्रे धातु दिख जाए, ठीक है, तो अगर आपको स्प्रे धातु दिख जाए तो इप्सित जो है मतलब जिसे चाहा जाए तो उसके क्या करना है आपको संप्रदान संज्ञा करना है, और जैसे ही संप्रदान संज्ञा होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर उदाहरण के थ्रू आप देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए आप यहाँ पर वह पुष्प को चाहती है, तो यहाँ पर ये जो वह है इसमें हमने चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाई, वहां की अगर बात करते हो अगर यहाँ पर स्प्रेत की जगह अगर मान लो क्या होता रोचते हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता फिर यहाँ पर फिर रोचते हो जाता तो यहाँ पर क्या होता यहाँ पर फिर हम सह में लगाते चतुर्थी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम जिसे चाह रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर क्या मिला स्प्रहति दिखा, देखिए आप यहाँ पर ये क्या है स्प्रेह धातु दिखी आपको, है ना, स्प्रेह धातु दिखी, तो जैसे आपको स्प्रेह धातु दिखती है तो आपको क्या करना है जिसे चाह रहे हैं उसकी आपको क्या करना है संप्रदान संज्ञा करना है, तो किसको चाह रहे हैं यहाँ पर पुष्प को चाह रहे हैं, तो पुष्प की क्या हो जाएगी पुष्प की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और जैसे पुष्प की संप्रदान संज्ञा होगी तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है चतुर्थी विभक्ति लगा देना है। तो देखिए आप यहाँ पर पुष्प को चाह रहे हैं, किसे चाह रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपका देखिए आपने स्प्रे धातु देखी, ठीक है, तो जैसे स्प्रे धातु दिखती है तो जो इप्सित है मतलब जिसको चाहा जाए, तो किसको चाहा जाए यहाँ पर किसको चाह रहे हैं पुष्प को चाह रहे हैं, तो पुष्प की क्या कर दी हमने संप्रदान संज्ञा कर दी, और यहाँ पर हमने क्या लगा दी चतुर्थी विभक्ति लगा दी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर सा पुष्पेभ्यः स्प्रहयति, ठीक है, तो
क्या बोला मैंने, अगर आपको क्या दिख जाए किसी भी वाक्य में स्प्रह धातु दिख जाए तो उसके योग में जिसे चाहा जाए वहां पर आपको क्या कर देना है, संप्रदान संज्ञा कर देना है और उसकी कौन सी धातु उसकी कौन सी विभक्ति कर देना है, चतुर्थी विभक्ति कर देना। ठीक है, तो देखिए आप स्प्रह धातु के योग में जिसे चाहा जाए, स्प्रह धातु के योग में जिसे चाहा जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदान आने से वहां पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला सूत्र। देखिए आप बहुत ही अच्छा सूत्र है, देखिए आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा सूत्र है। देखो स्पीड थोड़ी हाई रख रहा हूँ, है ना, क्यों, क्योंकि एकदम आसान है और इसका प्रैक्टिकल आपको कब समझ में आएगा, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मजा आ जाएगा मतलब। लेकिन आपको फिर जब मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, साथ में मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपको करना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो पूरे कारक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ कहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है, कौन सा कारक क्या होता है, ये अगर आपको पता चल जाएगा तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए तो अब हम अगला सूत्र देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, श्लोक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको छह अव्यय पद दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए एक तो आपको नमः दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको स्वस्ति दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको स्वाहा दिखाई दे रहा है, चौथा आपको स्वधा दिखाई दे रहा है, पांचवा आपको अलम दिखाई दे रहा है और छठा आपको वसट दिखाई दे रहा है। योगाच मतलब ये जो छह अव्यय पद है, ये जो छह क्या है अव्यय पद है, इनके योग में कौन सी भक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी भक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः को देखिए, नमः का मतलब क्या होता है, नमस्कार। स्वस्ति का मतलब क्या होता है, कल्याण। स्वाहा का मतलब क्या होता है, अर्पण देवताओं के लिए। अब अर्पण मतलब क्या जाएगा, देवताओं को खिलाना, देवताओं को खिलाना, ठीक है। सौदा, सौदा का मतलब क्या होता है, अर्पण पितरों के लिए, यानी कि पितरों को खिलाना। पितरों मतलब का जो पूर्वज होते हैं ना, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, जो पूर्वज होते हैं। हम हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में ऐसा है कि सात पीढ़ी तक क्या होता है, एक संबंध बना रहता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आपके घर में भी हर 15 दिन में क्या लगता है, भोग लगता है, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पितरों के लिए अर्पण कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पितरों को खिलाना इस तरह से, ठीक। उसके बाद अलम, अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। और वसट, वसट का मतलब या तो आप त्याग बोल दो, उपहार बोल दो, या तो आप क्या कर दो, भेंट बोल दो, ठीक है। तो ये जो छह अव्यय पद है, ये छह अव्यय पद भी याद होना चाहिए, इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ताकि हिंदी में अगर हिंदी से संस्कृत में अगर आपको ट्रांसलेट करना हो तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ कौन से सूत्र का ये उदाहरण, ठीक है। चलिए तो ये जो छह अव्यय पद होते हैं, इन छह अव्यय पद के योग में आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति लगाना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए श्री गणेशाय नमः, तो यहाँ पर आपका दिखा नमः अव्यय पद दिखा, तो इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, गणेश में चतुर्थी विभक्ति लग गई। देखिए आप यहाँ पर श्री गुरुवे नमः यहाँ पर आपका दिखा नमः अव्यय पद दिखा, और जैसे ये दिखता है तो इसके योग में क्या है, गुरु है, तो उसमें क्या लग गया, चतुर्थी विभक्ति लग गई, श्री गुरुवे नमः हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर तुम्हारा कल्याण हो, बोलते हैं ना तुम्हारा कल्याण हो, या जो भी लेक्चर देख रहा है इन सभी का क्या हो, कल्याण हो, तुम सबका क्या हो, कल्याण हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, स्वस्ति, क्या देखिए यहाँ पर, तुभ्यम स्वस्ति, तो यहाँ पर जो तुभ्यम है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग गई, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अग्ने स्वाहा, हम देखते ना आहुति देते हैं स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, तो यहाँ पर देखिए ये जो अग्ने है, स्वाहा के कारण अग्ने में कौन सी भक्ति लग गई, चतुर्थी भक्ति लग गई। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर पितृभ्य देव, अब देखो यहाँ पर क्या जाएगा, स्वधा, पितृभ्य स्वधा, तो यहाँ पर देखिए स्वधा आया, तो स्वधा जैसे आया तो यहाँ पर क्या होगा, पिता में क्या हो गई, चतुर्थी भक्ति लग गई। अब यहाँ पर अलम जैसे आया तो यहाँ पर क्या हो गया, देव्यभ्य में चतुर्थ, देव्य जो है, देव जो है, इसमें कौन सी भक्ति लग गई, चतुर्थी भक्ति लग गई। वैसे आप यहाँ पर वसट देखिए, वसट आया तो वसट जैसे आया तो इंद्र में देखिए आप इंद्राय, कौन सी भक्ति लग गई, चतुर्थी भक्ति लग गई, ठीक है। चलिए तो इस तरह से एकदम सिंपल है, जैसे आपको छह अव्यय पद दिखते हैं तो इनके योग में आपको क्या कर देना है, चतुर्थी विभक्ति लगा देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला सूत्र जो है, अगला सूत्र देखिए आप यहाँ पर भी आपको चार अव्यय पद दिख रहे हैं। एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रुद्ध दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको द्रुह दिखाई दे रहा है, तीसरा आपको ईर्ष्य दिखाई दे रहा है, और चौथा आपका दिखाई दे रहा है अशु दिखाई दे रहा है। अर्थनाम यम प्रति कोप, यानी कि
क्रोध हो गया, द्रोह हो गया, ईर्ष्य हो गया और असूय हो गए। तो ये जो आपको चार अव्यय पद दिखाई दे रहे हैं इनके योग में आपको क्या कर देना है, चतुर्थी विभक्ति लगा देना है। यानी कि जिनसे आप क्या करते हैं, क्रोध करते हैं, जिनसे आप क्या करते हैं, द्रोह करते हैं, जिनसे आप घृणा करते हैं, जिनसे आप क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो जिससे भी आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या कर देना है, चतुर्थी विभक्ति लगा देना है। मतलब जिनसे ये सब क्रियाएं की जाती है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, जिससे आप क्या कर रहे हैं, द्रोह कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में जिससे भी कर रहे हैं, तो ये भी जो क्रिया, ये जो क्रियाएं हैं जिनसे भी आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या कर देना है, चतुर्थी विभक्ति लगा देना। देखिए आप जिनसे ये क्रियाएं की जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और वहां पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। जैसे कि बात करते हैं पिता पुत्र पर क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो किस पर क्रोधित हो रहे हैं, पुत्र पर हो रहे हैं। और हमने बोला ना जिनसे ये क्रियाएं की जाए, ठीक है, जिनसे ये क्रियाएं की जाए मतलब जिनसे आप क्या करो, क्रोध करो। यहाँ पर पिता जो है किस पर क्रोध कर रहे हैं, पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं। तो जिनसे ये क्रियाएं की जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और जैसे संप्रदान संज्ञा होती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। देखिए पुत्र पर यहाँ पर क्या जाएगा, पुत्राई हो गया, इसमें क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति लग गई। वैसे आप देखिए गुरु जो होते हैं वो क्या होते हैं, शिष्य पर क्रोधित होते हैं। कभी कभी मैं भी आप पर हो जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस पर क्रोधित हो रहे हैं, शिष्य पर क्रोधित हो रहे हैं। तो यहाँ पर शिष्य जो है इसकी कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। और जैसे संप्रदान संज्ञा होती है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी भक्ति लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर शिष्याएं में चतुर्थी भक्ति लग गई है। वही आप देखिए दुर्जन जो होते हैं वो सज्जनों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। किससे ये क्रिया, किससे की जा रही है, सज्जनों से की जा रही है। तो आप देखिए ये जो सज्जन है इसमें कौन सी भक्ति लग गई, सज्जनाई करके यहाँ पर चतुर्थी भक्ति लग गई, ठीक है। तो इस तरह से एकदम आसान था टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको 20 से 25 मिनट में पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। अब तो देखो इतना हमने कारक पढ़ लिया, तो आपका आपका आइडिया भी लग गया कैसे पढ़ना होता है कारक को, ठीक है। तो चलिए अब रही बात प्रैक्टिस सेशन की, उसका मैं अलग से लेक्चर शूट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया करो। यहाँ पर बस ये चार सूत्र आपको करना है, इन चार सूत्र के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।